वंदे मातरम वंदे मातरम। की करो भाई सेना जोड़िए, गरीब कम तो कम है, बड़न दो अर्थ को घोरो है खून है इना और कर्म और दो लागो चले जे जयपुर और दिल्ली में के युवा आगे आया रहा कदम राख्यो को और वो खून बाल मारे है। मैं आपको बताना चाहूंगा विश्वविद्यालय पिछले दो साल से पूरी तरीके से बंद है। सारी कॉलेजेज जितने भी राजस्थान के कॉलेजेज है वो सारी पिछले दो साल से बंद है, पर फिर भी उनसे अनैतिक ढंग से जबरन वसूली की जा रही है। तमाम विश्वविद्यालय प्रशासन सरकारें सब एकजुट होकर एक गरीब और पिछड़े तबके के विद्यार्थी का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। हम सब छात्र शक्ति एकजुट होकर तमाम छात्र संगठन तमाम धर्म के जाति के संप्रदाय के छात्र एकजुट होकर एक जाजम पर बैठ के और हम पूरे राजस्थान में छात्र क्रांति का आह्वान किया हमने, और साथ ही साथ में अगर समय रहते प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम विधानसभा घेराव गए। रविंद्र भाटी छात्र संघ अध्यक्ष जोधपुर से। नमस्कार नागौर आयु की सूर्य और धरती रे माता आयु है वो चाहू कि आगे आने वाले टाइम रे मीना भी बरकरार रखा, ताकि अगर समय रहते सरकार आनी चाहती तो जयपुर और को नहीं है। सब छात्र शक्ति हो तो चार पूरे राजस्थान रही छात्र शक्ति में एक जुट हो। छात्र क्रांति संगठन रो कोनी है, कोई पार्टी कोनी है, कोई जाति कोनी है, कोई धर्म कोनी है, कोई संप्रदाय कोनी है। आप सब भाइयारी आवाज लेकिन एकजुट और सब छत्तीसी कोमरा भाइयों ना बेड़ा लेर छत्तीसी कोमरा भाइयों ना बेड़ा लेर आवाज उठानी है। उगेरे वास्ते मैं सब आगे आया हूँ, चाहूँ कि आप सब आगे आओ। आपने बतानी चाहूँ कि यूनिवर्सिटी लारला दो साल बंद है, कॉलेज लारला दो साल बंद है, आपरी नागौर कॉलेज बंद हती को नहीं हती, बिल्कुल हती दो साल। तो साहब आप फीस किन चीज री लियो, मैं तो प्रशासन ने उई दिन पूछियो कि साहब फीस किन चीज री, जब लारला दो साल महीना पूरी तरीके बंद है तो बचे फीस लेर थे जबरन वसूली क्या आना था है टाबरिया कितना दौरा कमाए यारा माई तो कितनी खून पसीने वो कमाई करे चुको आगे आए ते वो बुटा मीना खेल रहे नाम रे माते वो मीना स्टूडेंट यूनियन और न जाने कितना लाइब्रेरी लैबा कॉमन रूम रीडिंग रूम वेलफेयर कितना ही सो तरीके मीना आप चुको है लूट मार मचा रखी है। ये ना बंद कर दो ते युवा आगे आया रहा तो सरकार ना घुटना टेकड़ा पड़े आया और आगे भी टेकेला। मैं हुआ ना कहू याद रखे हुए जेपी आंदोलन ना जगह घना घना सरकार ना उडार फेंक दी क्रांति ये काम शुरू हुई है। मैं बता नहीं चाहू था ना कि 1857 महीना देश आजाद होने पहल एड़ी रेड़ी क्रांति शुरू हुई थी और आज बाछी क्रांति शुरू हुई है। साल 75 हुआ आजादी रहा पर फिर भी आज ये लोकतांत्रिक देश रे मीना आपरी आवाज रखने की हद तक सही कोनी। तो मैं उरे खिलाफ मीना आप सब भाइयों रे सहयोग में जो मैं आपने बतानु चाहू मीना घना घना जना कहो कि साहब आप नागौर मीटिंग मत करो। मैं क्या कौन करा म्याला भाई है उत था उम्र पूरी जाट राजपूत ब्राह्मण ओ बनिया ओबीसी एसटी सब ये करे मारो सबारो खून पियो इतना साल सत्ता महीना बेचारे आज सदे छाते इतनी बात आई तो दो सारा दो सो मा तो नीचे गाले क्या बैठा है। मैं कहना चाहूं यूआई जय जो को रात दिन एक करे तुम्हारे चुनाव मीना बोटी अलगा को नहीं है याद रखा पाछा आउन भी है तेवी साउन भी है बचीन बोली जाई लिखने वास्ते जगह को नहीं मिला है। युवा यही जता है जो थाना उत्ती तक पहुंचाया है तो हूँ ये वास्ते आप सब आगे आई हाजिर हुआ कि सरकार ना चेतो म्याला ये नागौर में कोई चुनाव को नहीं लड़ दू नको म्याली कोई विधानसभा है नको कोई लोकसभा क्षेत्र है। हूँ आज ये आयो हाँ
क्योंकि म्याला जितना भी भाई है जो को छात्र प्रतिनिधि है जो को विद्यार्थी है वो आगे आए सब एकजुट हो एक चाचम माता बेस है और छात्र हितरी बात करे। अपना सिर्फ राजनीति हुए टाइम कौन करनी जिसके टाइम चुनाव लेना है अपना ये विद्यार्थी बात हुए टाइम रखनी है जेत केत यारो हक केतन केत मारी जाए वो टाइम अपना सभा में आगे आनो है तो वो पीला चावल ले आयो हाँ जितना भी नागौर रा विद्यार्थी है छात्र प्रतिनिधि है वो सभा में कहना चाहूं छोड़ दो संगठन छोड़ दो जाति धर्म संप्रदाय सब एकजुट हो एक जजम मत बैठ बात करो कि आज थाम बैठ चुको है सही है कि सरकार आप सभा न डिवाइड एंड रूल करे जहां अंग्रेज आया था धान उठा अंग्रेज आ रही एक पॉलिसी थी फूट डालो राज करो। आज 75 साल हुआ अंग्रेज तो क्या बा पर सरकार वहां युवा करे फूट हमें कहां कर डाले हमें गुलाम कीकर बनाना तो के साथ ये न तोड़ो छात्र युवा थाना बताना चाहूं कि बारहवीं के अंदर पड़ता देते थाना ठाक होनी है कि मारे घोटे चुको बेंच माते पूरे साल बैठे हुए सरनेम की लागे कौन है वो कहना ही ठाक होनी थी पर जय ही कॉलेज में आवे तो थार मीना इंजेक्शन भरे क्या क्या कि साहब तोड़ो युवा ना तोड़ो आज वो नागौर ये सूरारी धरती माता आयो बिना पूरा पूरा भरोसा है कि आप सब एकजुट हो ये आवाज ना और बुलंद करो अगर जरूरत पड़ी तो जयपुर और दिल्ली गेरा वो थाना कहना चाहू लाला जी के साहब मीना जोधपुर बीकानेर और आज नागौर है तो कीड़े चढ़ने शुरू हो गए हो पर ओत कीड़े चढ़े पड़े हुआ ना लागे है कि के दिन के प्रशासन में दबा दा या ना का करी करे निलंबन कर दा मुकदमा कर दा दबा दा का करी करे दबाव पर हुआ ना कहना चाहू नको कदे दबिया और नको कदे दबा ला आवा मैं यहां भी नहीं जा हा निकले तैयार रहे जयपुर आला ओ विधानसभा है ओ पूरी पूरी 1,00,000 स्टूडेंट जते भेड़ा हुए जते बेस से दौड़ना जगह को नहीं मिले ला तैयार रहा हवा टाइट हो जा है समझ में को नहीं आए हवा लिया का छोटा ओ तैयार रहे तो आप सब युवा शक्ति तैयार है आओ नारा विधानसभा 17 महीना मानसून 17 महीना घेराव करने वास्ते चुको तैयार है हाथ खड़ो करे मना हुई जगह उपस्थिति प्राप्त करे अपना सभा ना एक जुट हो मजबूती मिना एक जो को गरीब भाई अपने छोटे भाई है जो को रात दिन खून पसीने जो को कमाई करे है जो को आप सब जो को मध्यम वर्ग के लगभग एक मेरा भाई बैठा है वो खुद एक हमारे फादर टीचर है तो मना था है कि टैक्स दे कांकर दे कांकर घर चले तो एक आदमी रो अगर कोई खून पिए है और अगर आपे हुए ना बेसे देखा पड़ा और आपे हुए खिलाफ अगर आवाज नहीं उठावा तो उहे करते मोटा गुनेगार आपे खुद दा जो को माथो नीचो गाल बैठा मैं आला 2 साल होगा मैं छात्र संग्रह 2 साल काटिया रहा बढ़िया काटिया घना ही फिर आराम ना माला पेरी पर आज हूं माला पेरण को नहीं आयो आज हूं आयो आप सबारो समर्थन ले उड़ना मैं आला की मतलब ये नागौर मी मैं आला की मतलब बीकानेर मी मैं आली तो एक विधानसभा झाले बैठो रहे तो पर नहीं मैं माता आज तक जिम्मेदारी है मारे हुआ सब भाइया री सब हुआ छात्रा री जिका मैंने रात दिन वोट दीनो ओत 28 तारीख रो दिन ना एक ऐतिहासिक दिन बनायो आज तक रे इतिहास रे मीना जदे एक निर्दलीय ना छात्र संघ अध्यक्ष बनायो तो हुआ बेड़ी बेड़ी मैंने जिम्मेदारी देनी कि जदे कदे भी माना जरूरत पड़े तो थे पग मीना चप्पल मत गाते मार पगा दौड़ता आया तो वो मारो कर्तव्य री पालना करा और आप सबारे कर्तव्य ना आप सबारे कर्तव्य री पालना आपना खुद ना करनी है आप सगा सभा ना कदम आगे राखनु है और बताणु है सरकार ना कि युवा सूता कोनी है भगत सिंह कहो तो जिका देश रा युवा कमजोर हो जावे ओ देश गर्त में ना जाए रो वीरे सरकार तानाशाह हो जावे तो हमें केतन के तानाशाही चुको आ रही है सरकार आ रही ये ना अपा सभा ना मिल ये विरोध करनो पड़ से जिके टाइम स्वतंत्रता हुई आज आजादी रो 15 अगस्त रो वहां पे 75वो स्वतंत्रता दिवस बना हा पर बताणु चाहू आप ना वो स्वतंत्रता भी क्या को नहीं आई थी आप जेड़ा युवा आगे आया था वो कदम रखियो तो ओ स्वतंत्रता सेनानी था हंसता हंसता वो टाइम वहां आप रा सिर कटाया था वो बतानी चाहू आप ना भगत सिंह ना जिके टाइम फांसी देनी थी जदे उगी जी का पूछे हुए ना कि साहब आपरी आखिरी ख्वाहिश की है जदे हुआ कहो तो कि माना तीना ना आपस में गलम बन दियो तो ओ हता अपना जिका वजह में आज आपे खुले आसमान रे नीचे हाँ आज 500 दिन आयो रो कि आप केतन केत अपे वैचारिक रूप मीना गुलाम बन रहे हाँ तो अपना ये गुलामी ना खत्म करनी है अपना आवाज उठानी है और हूँ बतानी चाहूंगा आप सबाना कि आउन आला टाइम रे मीना युवा अगर मजबूत नहीं हुआ तो याद रखे भैया
कोई दूजो बात राखण आलो कोई को ना आवे। आप सभा माते जिम्मेदारी है कि आप सब एकजुट हो उठो और सब चीजा सब सीमा सब दायरा छोड़ो। तमाम छात्र संगठन है वना भी मैं कहो तो मैं निवेदन करियो तो कि आप आगे आओ। एक एक विद्यार्थी जो को खून पसीना मीना कमाई आपरी करे है वीरो आज केतन का अहित हो रो और हक मारी जा रही है। आप सब अगर आज आवाज नहीं उठाई तो ते चुनाव में ना याद रखा नेरा मत बढ़ क्या ए छात्र शक्ति है फटीर बुला देला भूल जाओ चुनाव रे मीना आलू माली मीना घना काले हूं बीकानेर क्यों मीना मारे मीडिया रे बंधुआ पूछो कि साहब थारी पार्टी कही है विचारधारा कही है। मैं उन्होंने कहो मारी पार्टी यही जय जुको थाना देखी जाए नी ए जुको मोटियार है जुको मुंह चले कटके बैठा है मारी ताकत है मारी पार्टी है जे देखे है उस कदम बिना राखनु है तो वो मारो काम करा। पर नागौर राजताई भाई है सुरेंद्र जी और यारी पूरी टीम तोतर साबरी पूरी टीम काम कर रही है। तमाम छात्र संगठन बीजेपी वो भी काम कर रहा है जनप्रतिनिधि है वो भी काम कर रहा है छात्र प्रतिनिधि सब काम करे। पर हूं चाहू कि आप ये जोश ना और बढ़ाओ। आप एक हर छात्र ना बताओ कि अगर आज नहीं लड़िया तो बच्चा भूल जाया। हमेशा एज को इंग्लिश फिल्म में ड्रैकुला आज को खून पिया करे सरकार ही ड्रैकुला है इन्हें ना जे हेवा कर दिए खून मांडे लाखो पचे छोटा बड़ो दोरो है। तो आप सब जद एकजुट हो जद फटीर बुला दियो तो दुनिया की कोई ताकत को नहीं है जो थाना हिला सकेला। और इतिहास मीना एड़ो पहली बार उसे जद तमाम छात्र संगठन तमाम छात्र सब विद्यार्थी सब तरीके रा दायरा छोड़ रहे जज माथे बैठने वाला है वो पूरे राजस्थान भर रहे मीना सब युवा साथियों ना निवेदन करने जाऊ पड़ो। और मैं आज नागौर आज हाजिर हुआ मीना लागू चाहिए कि मैं इतनी तक आयोड़ो म्याड़ो गोतो सफल हुआ और मीना आप सब हाथ खड़ो कर विश्वास दिलाओ कि मैं तैयार हूं। अरे प्रशासन रा जता ही साथी है वो ना कहना चाहूं ए भाई जो एक भी यार हाथ में फोन है बंदूक का कोनी और ए अपनी हकरी लड़ाई लड़ने आया है मानो ठा दे थारो काम करो। पर विद्यार्थियों रे माते एक भी तरीके री कोई भी तरीके री या मीना मिस बिहेवियर या अनिति सहन को नहीं वे आप सब एदा मीना एकजुट और कलेक्टर साहब ने ज्ञापन देन जा। मारो निवेदन है आप सब शांतिपूर्ण तरीके में रहा और प्रशासन ने हमारी हिदायत है कि आप शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास करिया। मारे युवा साथी ना कहना हिलाया मत है बारूद है अगर माची श्री तीली गोटे आई री तो समझ आया। और जयपुर वाला में कहा रो बिस्तर लपटा बांध तैयार रहा मानसून 70 रुपए लगर मारी मांगा नहीं मानी डब्बा गोल कर दे भूल जाओ कदे ये बंगला भी चौकीदार भी हुआ करता ए मारा टैक्स रा पैसा है मारा फीस रा पैसा है ए होटल मीना रुकन आरू दाना को नहीं देना है एमएलए रुकन आरू खुद खून भांगो चुनाव में घना ही भांगो बड़े भांग लो मारे खून पैसा ने कमे क्या काटो। और रही बात दूजी टाइम माता सुधर जाओ जे युवा पूरा एकजुट हुआ राजस्थान री आवाज ना जे अगर पूरा आप सब भेड़ा हो एकजुट कर ली और बुलंद कर ली तो पार्टियां रा तो सियासन हिली बेड़ा बेड़ा सरकार कपिंदा खाती जाई तो आप सब मजबूती में यही खड़ा रहा आप या मीना एकजुट और शांतिपूर्ण तरीके मीना आप अपनी बात रखने वास्ते आगे जाहा। मारो आप सभाओं निवेदन है आप शांति व्यवस्था ना बरकरार रखा और अब अपनी बात एद रखा और भेड़ो भेड़ो काले अजमेर मीना परसू भीलवाड़ा सोलारो उदयपुर और लगभग पूरे राजस्थान रे मीना आप छात्र क्रांति लावा और आप सभा ना हूँ पीला चावल दे जाऊँ जिम्मेदारी दे जाऊँ कि आप ये चीज ना ये मुहिम ना आगे ले जाऊ रो हमें आप रो काम है म्याड़ मीना हाई ये कहू म्याड़ो फर्ज तो मैं म्याड़ो फर्ज निभायो हमें आगे रो फर्ज आप ना निभाणु है हर एक हुए विद्यार्थी ना निभाणु है। धन्यवाद जय हिंद जय भारत बोलो भारत माता की भारत माता।